अभी मैं आपको लेकर आया हूँ चंपारण के भीतिहरवा आश्रम। यह वही आश्रम है जहाँ महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के दौरान रुके थे। अभी हम देखेंगे कि भीतिहरवा आश्रम किस प्रकार बदल रहा है, यहाँ की चीज़ें लगातार व्यवस्थित हो रही हैं और बदल रही है यहाँ की रूपरेखा। हर तरफ हरियाली, हर तरफ प्रतिमाएं, और उन प्रतिमाओं को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करने का काम जोरों से चल रहा है। महात्मा गांधी की विभिन्न मुद्राओं में यहाँ प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह स्थान विश्व इतिहास में एक विशिष्ट महत्व रखता है। राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल की यह प्रतिमा इस भीतिहरवा आश्रम की शान है। आपको याद दिला दूं, यही राजकुमार शुक्ल थे जिनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण के लिए आए थे। देश विदेश से आए सैलानियों के मन में अक्सर ये विचार उठते हैं कि गांधी ने अहिंसा का पाठ पूरे विश्व को कैसे पढ़ाया, वो कौन सा जगह था जहाँ से गांधी को ये प्रेरणा मिली। तो आज मैं आपको उसी जगह के दर्शन करा रहा हूँ जहाँ से मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। अभी जो प्रतिमा आपके सामने है वो श्री मटुकधारी प्रसाद जी चौहान की प्रतिमा है, चंपारण के वीर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने सत्य और अहिंसा के साथ इस देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। श्री मटुकधारी प्रसाद जी आज हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। अपनी अगली कड़ी में मैं विशेष रूप से इनके ऊपर फोकस करूंगा। गांधी जी के तीन बंदर हम सभी जानते हैं, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। इसकी शिक्षा देती ये तीनों प्रतिमाएं मौन होकर भी बहुत कुछ कह जाती हैं और हमें समझा जाती हैं जीवन जीने की कला। शायद गांधी की यही विशेषता थी, धीमी स्वर में बोलते थे लेकिन बातों में तर्क मजबूत होता था। जिला मुख्यालय से 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये भीतिहरवा आश्रम अतीत का एक ऐसा स्मारक है जो हमें अपने अतीत से सबसे मजबूती से जोड़ के रखने में सक्षम है। भीतिहरवा आश्रम के इस स्वरूप को देखकर सभी प्रभावित होंगे, सभी सीखने की जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मिट्टी में वो कौन सी खासियत थी जिसने गांधी को बांधे रखा। इस आश्रम का स्वरूप आज बदल गया है लेकिन इसकी शिक्षा आज भी उसी तरह मजबूत है, जिसे हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज यह शिक्षा पहले से अधिक प्रासंगिक होती हुई दिखती है, कारण विश्व में भारत का मान सम्मान जिस तरह बढ़ रहा है उसमें अहिंसा का सबसे बड़ा योगदान है। जब तक इस संसार में मानवता रहेगी तब तक गांधी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। गांधी का ये चंपारण है या चंपारण के गांधी। मैं अभिनव मोतिहारी न्यूज़ की ओर से